वेलकम वेलकम रूबी के दिल में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को। आज अपन की दावत होली है, वो भी आना के स्टाइल में। अच्छा, वो भी आना के स्टाइल में, लेकिन ये ईद की प्रेप भी है जिसमें हम लोग के पास प्रिपरेशन देखने मिलेगी, आपको फूड देखना मिलेगा, फन देखना मिलेगा एंड गिफ्ट्स भी। हाँ, तो चले स्टार्ट करते, और वो भी आना के स्टाइल में, वो भी आना के स्टाइल में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपीज सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा सना, मैं क्या सोच रही थी अम्मी कि वो जो बर्तन लिए ना वो इस तरह से रख ले कि रश पाइल अप नहीं हो। हाँ, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि बर्तन जो होते हैं ना वो यहाँ रखते हैं हम ना, और फूड यहाँ से शुरू कर देते हैं तो स्ट्रक यहाँ हो जाते हैं लोग ना। तो इसमें था मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग है। मैं सोच रही थी कि बर्तन जो है यहाँ रखे तो जो भी बंदा आ रहा है वो अगर यहाँ खड़ा हो रहा है तो वो बर्तन लेके और रेडी हो जाएगा। अब एक लाइन यहाँ लगा देते हैं, एक लाइन ये लगा देते हैं। किसी को यूँ जाना होगा तब भी मुकम्मल मील मिल जाएगा, यूँ जाना है तो भी। ये अलग बात है कि वैरायटीज अलग है ना। सही है, तो जो भी बर्तन है सारे लाने हैं एक्सेप्ट स्टार्टर के बर्तन जो हैं, जो आपने बोला था बाइटिंग के लिए रखने, वो बोल थोड़े से अलग रखेंगे। यहाँ पर भी दोनों तरह के बोल्स होंगे ना। और फिर मैं सोच रही थी कि डिज़र्ट जो है ये यहाँ कर देते हैं, हमेशा डिज़र्ट यहाँ रखते हैं ना, क्योंकि फूड यूँ होता है ना। तो अब डिज़र्ट का लिए सेक्शन इतना बड़े की तो ज़रूरत ही नहीं है ना, तो वो डिजर्ट के लिए रख लेते हैं। क्या ख्याल है? सही है ना? तो अच्छा नहीं, ये लाइन बड़ी हो जाएगी खड़े रहने के लिए, खाने के लिए, और ये जरूरत के तहत लेके निकलने के। प्लस प्लेट है ना लेके, और बंदा या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, लेकिन उसको खाना मिलेगा ही मिलेगा, तो रश नहीं लगेगा। एक डायरेक्शन में सब नहीं जा रहे ना, स्पेस ज्यादा है ना। माइल्डर आइटम यहाँ और रिच आइटम यहाँ, वेरी गुड आइडिया है ना। हाँ, ताकि बच्चे एक ही तरफ जाएं। अपने यहाँ डिजर्ट। हाँ, ये हुई ना बात। गिव मी फाइव। चलो बर्तन लाते, सब हेल्प करते हैं एक दूसरे को। चलो, तो अब ऐसा है कि थोड़ा सा यूं करते हैं, हल्का हल्का सा, ताकि वहाँ प्लेटों को डिस्टर्ब नहीं हो। और सना, इस मरतबा मैं सोच रही हूँ कि एपेटाइज़र जो है ना, हाँ मामा, जो शुरू के वो फिर वो यहाँ रख देते हैं, तो फिर क्या होगा कि एपेटाइज़र एंड फूड टुगेदर हो जाएगा। तो मैंने कुछ लोगों से कहा है ना कि जल्दी आ जाए, आराम से चिल करेंगे, तो एपेटाइज़र का सेक्शन थोड़ा सा अलग ही कर। वेरी गुड आइडिया। एनी सजेशन? नहीं, यहाँ तो फिर बैठ के खाएंगे ना। शेफ पे करना चाहिए। हाँ नहीं, शेफ का मामा सही बोल रही है, शेफ पे बैठ के कर लेते हैं। हाँ सही, तो वो क्लियर करके वहाँ जैसे आने के बर्थडे में नाचो चीज किया था। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, तो यहाँ कर देते। अरे सना, इसमें रख देते हैं वो अपना। परफेक्ट। अच्छा, तू क्या पूछ रही थी? हाँ, तो क्या? नहीं, ये देख देख पूछ रही थी चीज बहुत देर से, सुबह उठी जब से मुझे पूछा जा रही है। तो क्या फेरो रिशा रख सकते हैं? इसमें फेरो रिशा भी रख देंगे। चलो सही, टॉप पर। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजर्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज़ कपकेक्स तो बहुत नहीं है। है बहुत, ये दोनों में हो जाएगा, इसमें फेरो रिशा रख देते हैं। सही? हाँ। ये आप गैस करें कि ये किसने मुझे दिलाया था और कब दिलाया था, याद है आपको? सना ने मुझे बर्थडे पे दिलाया था, वो मुझे लेके गई थी शॉपिंग कराने के लिए, और मैं एंड में यू पहन के निकली थी कि अरे मेरा कंगन वाला है ये। क्योंकि ये इसी तरह से आया था, बॉक्स में नहीं आया था। आपको क्या पता है कि ये मामा के बर्थडे के लिए पप्पू और पप्पा ने दिया था फेयर रिशा और फेस मास्क? हाँ, तो इसको बहुत दिल था कि मैं लूट लूँ और सबको खिलाऊँ दावत पर। क्या? तो पप्पू और पप्पा आप देखो यहाँ आ गए। चलो आपकी तरफ से। मेरी अम्मी का और फूलों का गहरा नाता है। अम्मी ने होश संभाला जब से अम्मी को फूल बहुत पसंद थे। मेरी आँख खुली जब से हमारे घर में फूल इतने सारे थे। वॉलंटरी शॉप पे जाती थी मैं, और फ्लावर अरेंजमेंट का करते थे। फ्रेश फ्लावर भी होते थे, सिल्क भी होते थे, गिफ्ट आइटम भी होते थे, और छोटे बड़े बेहतरीन किस्म के अरेंजमेंट बनाते थे। एक टाइम था
तो ये फ्लावर्स आपको बहुत अच्छे लगे ना? बहुत प्यारे, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि नहीं दिल में उतर जाने वाले। तो ये अब आप सेंटर में, हाँ सेंटर में लगा दें, सेंटर में। जी जानू, मुझे पता है मैंने आना ने इसमें डाला था। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सही मानों में अरेंजमेंट किया। अब ये बीच में जाने के लिए उस तरफ जाना पड़ेगा। इसके साथ अच्छा जा रहा है ना, सिल्वर गोल्डन, वाइट सिल्वर गोल्डन। आपको पता है ये ग्लास के लगते हैं पर एक्चुअली ये प्लास्टिक है। फोक्स एंड स्पून्स, ये अच्छा अभी भी मुड़े भी नहीं। हाँ सॉलिड लिया है ना, बहुत अच्छे क्योंकि पाए है ना, तो पाए के लिए फिर वो नहीं मजा आता ना। कौन सा और प्रीटी है, ये वाला या ये वाला? मुझे लगता है ये वाला और प्रीटी है इससे। ये देखिए कितना प्रीटी गोल्डन लाइन है। ये तो पकड़, क्या कर रहे हो? ऐसे यहाँ वो सेटअप करना है ना, तो मैंने बोला पीछे वायर भी दिख रहा है और ये स्टैंड जो है ना उसके अंदर रख देंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है जिसमें हमेशा रखते हैं पानी तो वो तो ले ही आ। केक का जो टॉप वाला नहीं है, हाँ वो मैं धो के लेकर आती हूँ। सर पानी पूरी का एम्प्टी करूँ, बिकॉज मैंने वो चिप्स अभी निकालना नहीं है। नहीं नहीं अभी नहीं निकालनी है। ये देखो एक चमचा आएगा तो मेरा दूसरा चमचा आना जरूरी है। पानी पूरी, छोले, पानी, भेल की चटनी है, भेल के मसाले, भेल यहाँ आ जाएगी। ठीक ये रुक जाए एक सेकंड, इस पर रखते हैं। अच्छा प्लेट रखनी थी नीचे, राइट, टू लुक मोर प्रिटी गोल्ड थीम है ना। अच्छा और भेल पूरी के लिए जो है वो बोल्स जो है यहाँ रख देते हैं, और पानी पूरी के लिए भी प्लेट्स एंड बोल्स चाहिए ना। हाँ क्योंकि यहाँ के जगह पे थोड़ा टाइट है ना ये। हाँ, तो बस ये धोना होगा। हाँ भी ये धो लेते हैं। और ये मुझे लग रहा है सना टिक्का और वो जो है ना प्याज वगैरह। हाँ, तो ये जो है ये यहाँ रख, थोड़ा सा यूं करते सही, और ये यहाँ बराबर में रखते हैं, और गार्निशिंग के लिए भी एक चीज ले लेंगे सारा व्हाइट एंड गोल्ड। वेरी नाइस ना। आप क्या बोल रही थी कि आप वीडियो में वहां देखती थी, फिर अभी देखा तो क्या लगा? जमीन आसमान का फर्क है, अमेजिंग। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई नहीं फाइव स्टार होटल के बाप के पास आए। तो ये जो है इस पर रखेंगे गार्निश, और यहाँ रखेंगे ये सैलड। ठीक है, ये टूटने फूटने का चांस है बेबी? नहीं सब जगह बहुत है, देखे सब जगह बहुत है। वाह भाई ऐसे रखती है तू तो सारी की सारी बास्केट है। हाँ, दो ही निकालू ना मामा या तीन? हाँ। निकालू? नहीं मैं क्या सोची थी पता है, अभी फिलहाल डबल रख, यार दो रखेंगे ताऊ को, डैडी को, चाचू को, और जो भी मैंस है ना इरफान भाई, सलीम भाई, जमाई, तो वो क्या करते हैं फिर डाइनिंग पे चले आते हैं ना। तो मैंने क्या सोचा है पाए भी अपन एक डिश में निकाल लेंगे तो वो वहाँ रख देंगे, और ये डबल रोटी की ट्रे ले जाए ना। सही, तो अभी दो डबल रख और फिर ले, टोटल फोर रखूँ, एक एक टेबल की एक डिश दो रखेंगे और वो फिर ले जाए। सही सही है ना अम्मी, सही लग रहा है ना? यू नीचे वो रख सकते हैं, दो चार रखते हैं। हाँ और ये हाँ सही, क्योंकि इनकेस कम पड़े तो फिर ले नहीं रहे ना। अच्छा बेटर। हाँ जैसे अब पूरियाँ जिसमें उसमें मैं सिर्फ यूँ रख देती हूँ ताकि याद रहे ये पूरी का है ना। हाँ सही है मामा, स्पून्स भी यहाँ पे होने चाहिए ना फिर? हाँ हाँ भेल पूरी के स्पून्स होने चाहिए यहाँ। खुशबू आ रही पाए और ये सीख का कीमा। ये है रूबी के किचन के बने हुए बहुत ही डिलिशियस गुलाब जामुन, तो हम सोच रहे हैं इसी को रखते हैं बर्नी को। हाँ हो गया सर ना, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ठीक है क्योंकि भेलपूरी के लिए तो तीन ही चीज़ चाहिए ना, पानी पूरी और भेलपूरी के लिए। पाए के लिए डीप नहीं चाहिए है इसमें एक भी? पाए के लिए डीप ये था ना। ओह राइट राइट है। और ये 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 भी ले लेते हैं चटनी चटने के लिए। हाँ हाँ, और ये हाथ से ही ले सकते हैं ना वो तो।
नहीं ना, ट्राइफल तो गिराएंगे कोई, मैं तो समझी गुलाब जामुन किसी नहीं जा रहा है, गुलाब जामुन ट्राई गुलाब जामुन लेके, और मुझे नहीं गेम होती है मुंह में चम्मच लेके चलने की, वो करवाएंगे सब चाशनी दे, चाशनी दे। और भी मुझे कितना प्रॉब्लम होता है अम्मी चाशनी से, ये डाल देते हैं है ना, टिक्के में ये डालू, हाँ क्योंकि वो चावल वावल में भी काम आ सकता है ना ये वाला। हाँ, नेक्स्ट क्या था? नान जगह थोड़ी बचती है ना, यहाँ हो तो फिर चम्मच तो अंदर रख सकते हैं ना, तो अगर मैं टिक्के के फिलहाल यूं रखूँ तो अपन को याद रहेगा कि किस चमचे में डालने, देख कितना साफ याद रख रहा है। अच्छा वो भी लेके आ, डिश के चम्मच भी लेके आ, ठीक था मेरी, ये देखो बर्डी मेरे हेड पे सेट कर रही है। देखा सना इसका, इसके हेड पे बर्डी बैठ गया है। जोई तेरे को पता है जब तू छोटी थी ना, जब एट होम में जाके मैंने तुझे ये दिलाई थी, तूने पिक की थी खुद से, हम दोनों गए थे तू छोटी थी, और तुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे तू हैरान हो जाती, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ ले जाती हूँ क्योंकि मैंने एक गिफ्ट ली थी। मिठास भी है थोड़ी। हाँ खट्टा मीठा वाला है, बोले तो तेज थोड़ा करूं या नमक डालना है तो नमक डाल। Is this good? Is this cool? I said is this cool? Yes, this is cool. अभी मैं इसमें आलू डालूंगी और थोड़े से मसाले डालूंगी। क्या मैं शुरू करूं बाहर फिर बनाना रूबी? हाँ गरम गरम करना शुरू करो, हम लोग का अभी चल रहा है, आपका भी चलेगा। जिस दिन ये मैंने मैरिनेट किया ना तो मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत केयरफुल हूँ ना और मैं पकाती हूँ, लेकिन मुझे यूँ लगा कि इतना रेड कलर है और आप जब करेंगे तो फिर एंड अप क्या होगा, रूबी तुमने क्या कर डाला रूबी, तो मैंने सोचा ये ले लेती हूँ। नहीं ऐसा मैं थोड़ी करता हूँ कुछ, थैंक यू थैंक यू, खुशी का इजहार, अप्रिसिएशन। तुम दोगी तो मैं करूँगा ना, नहीं करो यार वो ये वीक पॉइंट है आपका। नहीं करो, नहीं करो। डैडी का ये वीक पॉइंट है, देख दादा जान का, ले ले, अच्छा ले ले, अच्छा ले ले, ले ले ले, ले ले। बहुत बोर करती है क्या क्या? ये माइक्रोवेव में सना ने आलू डाले थे बेल पूरी के लिए। अच्छा माइक्रोवेव में डाले थे? हाँ बस ये थोड़े से काट के छोले में डाल देंगे। अच्छा ये तुम्हारे साइज के? मेरे नहीं, नहीं है। मैंने ना कोशिश की थी कि भाई मीडियम लूँ, मेरा तो स्मॉल हाथ है ना और आपका लार्ज है, तो मैंने कहा मीडियम पे सेटल हो जाते हैं। बहुत टाइट है। तंदूर में बनाते हैं, सलाह के जो है वो कितनी जाएगी नीचे, तो फिर यहाँ से शुरू करना होगा, 4 इंच से नीचे नहीं रखनी होगी। क्या कर रहे हो? ऐसे चुट चुट कर रहा हूँ, हालांकि तिक्के तो बने हुए, ऐसे एक वो आवे ना, फील आवे। अब ये जला लेते हैं, इसकी सलाह क्या अलग है। धानी आप क्या कर रहे हो? बटर चिकन को फ्रेश कर रही हूँ। तो पर क्यों आप और ज्यादा जान चिकन कर रहे हो? क्योंकि हम लोग चिकन है। ये वाली ले लेता हूँ, वरना ये दुबली वाली भी ली जा सकती है, दो दो, ये डबल डबल ली जा सकती है। इसको धीमी आंच पे रख देते, स्लो कर देते हैं और कुक होने देते हैं। मुझे स्टफ इन करना है, मुझे ऐसा करना है। नहीं नहीं गिर जाएगी जोई, गिर जाएगी। मुझे आता है। नहीं आता कैसे होगा, मेरे को नहीं आता है, तुझे कैसे आता है, इसको कैसे आता है? आई डोंट नो हाउ टू डू इट, गर्म है, बहुत गर्म है यार। इट्स हॉट हॉट गर्म। यूँ चारों के बीच में फंस जाओ ऐसा।
अब दूसरी बना लेते हैं वो वाली। ये हमने केक टॉपर ऑर्डर किए, ईद मुबारक। और ये एक लैंटर्न है और एक चांद सितारा है, ईद के चांद की काशी करता है। तो ये हम इस कपकेक को डेकोरेट करेंगे और फिर इस कपकेक्स को इस स्टैंड पे डेकोरेट करेंगे। तो ये जो है जोई का जॉब है, मैं जोई को सिर्फ हेल्प कर रही हूँ। दो सलाखें और रह गई है। क्या हो रहा है? वाह, क्या खुशबू आ रही है भाई। क्या बन रहा है? बस तो ये लास्ट चीज हो रही है। आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। हमने हो सके जब तक आप लोगों के सामने सारी प्रिपरेशन की, सेटअप किया, और अब हम तैयार होने के लिए जा रहे हैं। टिक्के यहाँ गरम गरम उतरेंगे, हम तैयार हो जाएंगे। तो चले फिर, आप मिलते हैं आपसे फाइनल दावत के ब्लॉग में। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज। हाफिज, आ जाए टिक्का खाने आ जाए। वाह।